फ्रेंड, इस तरह के वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम में डाल सके, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाने का है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो 9:16 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर मीडिया पर जाना है और उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसका आपने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। वीडियो आ जाने के बाद आपको इस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है। फिर आपको इसका स्टार्टिंग का पार्ट और एंडिंग का पार्ट को ट्रिम कर देना है। मैंने पहले से ट्रिम करके रखा हुआ है। इसको ट्रिम करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ट्रिम पर जाना है। फिर ट्रिम टू लेफ्ट या फिर ट्रिम टू राइट जो करना है आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल को नीचे जमीन पे ऐसे रखना है जिसमें आपको आसमान ज़्यादा दिखे और नीचे का जो रास्ता है वो थोड़ा कम दिखे। फिर आगे मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। देखिए, मैं ऐसा एंट्री किया। एंट्री करने के बाद आपको ऐसे मोबाइल पर देखना है। उसके बाद ये तो मैं ज़्यादा पीछे चल गया हूँ, इतना ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वहीं पे खड़े रह के थोड़ा सा उछल जाना है, ठीक है। बस आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे आइए, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये खाली पार्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करना है। ये आपके मोबाइल में सेव हो गया रहेगा इसका कैप्चर। उसके बाद आपको दूसरे एप्लीकेशन में जाने का है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बैकग्राउंड इरेजर करके ये एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ लोड ए फोटो पर क्लिक करना है, उसके बाद डन करना है। फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने इस कर्सर को यहाँ पर रखना है। अगर आपको स्काई का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर ऑटो पर क्लिक कर देना है और ये वाला बढ़ा देना है। यहाँ पर आपको रिपेयर का ऑप्शन दिख रहा है, रिपेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद ये कर्सर को थोड़ा वहाँ पे ले जाइए। देखिए, ये वाला थोड़ा रिमूव हो गया था, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। बाकी तो ऑटोमेटिक सब चीज़ ठीक है, उसको बाकी कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ हो जाने के बाद आप यहाँ से इसको डन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको वापस से काइनमास्टर एप्लीकेशन में आने का है। फिर आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको उस इमेज को सेलेक्ट करना है जिसका आपने स्काई का बैकग्राउंड रिमूव किया था। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है स्प्लिट का, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। फिर सेकंड वाले लेयर को आपको थोड़ा बढ़ा देना है, आपको वीडियो क्लिप कितना चाहिए उतने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। फिर ओके करना है। फिर यहाँ पर इसको प्ले करके देखना है। यहाँ पर आपको मेन देखना है कि आप जब जंप कर रहे हैं वो कितने ऊपर तक कर रहे हैं। ये मैं ज़्यादा पीछे चल गया था, इतना पीछे जाना आपको ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि आप अगर जंप किए हैं तो टैंक के ऊपर रहना चाहिए। मैंने जो जंप किया था वो टैंक के थोड़ा सा ऊपर नहीं रहा, मुझे टाइम नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वापस रिकॉर्डिंग भी नहीं किया। फिर जैसे ही आप टैंक के ऊपर जाते, आपको दिख रहा है कि आप टैंक के ऊपर गए, तो आपको नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ट्रिम पर जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर देना है। फिर ओके कर दीजिए। अब आप शुरू से प्ले करके देखिए। देखिए, आपका वीडियो रेडी हो गया है। अभी इसमें सिर्फ म्यूजिक डालना है। देखिए, जम किया, अभी आप इसमें म्यूजिक डाल सकते हैं। पूरा वीडियो बन जाने के बाद आप यहाँ पर म्यूजिक भी डाल सकते हैं। ऑडियो में जाइए, फिर यहाँ पर सॉन्ग में जाइए, फिर आपको जो भी पसंद हो आप उस म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। अब प्ले करके देखिए। आपका अगर ये वीडियो बन जाएगा तो आपको आगे का पार्ट जो ये ऑडियो का पार्ट है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर देना है, इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर नीचे में जाइए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए।
सारा वीडियो बन जाने के बाद आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। शेयर के ऑप्शन में जाके आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।